हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन रणवृद्धि तिमन। समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से दो बालिका आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर राज्य से ये वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश से जो है वो बहुत सारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय से वैकेंसी आई। अब ये जो नई वैकेंसी है ये दो बालिका आवासीय विद्यालय से है। वेतन यहाँ पर 23,000 तक आप लोगों को मिलेगा। आयु सीमा यहाँ पर 21 से 35 वर्ष रखी गई है और आवेदन 3 अगस्त से जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। बीएड वाले या डिप्लोमा किया है वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। पोस्ट यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की रहने वाली है। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन डाला गया है, क्या यहाँ पर एज रहने वाली है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, किस तरीके से जो है वो चयन प्रक्रिया होगी, किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी है, सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 की वैकेंसी है, जहां कक्षा 6 से 8 जो है हिंदी इंग्लिश भाषा की वैकेंसी है, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है। हर नोटिफिकेशन जो है अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आई थी वहां पर क्वालिफिकेशन अलग थी और यहां पर क्वालिफिकेशन अलग है। ठीक है, तो यहां पर कक्षा 6 से 8 तक जो है वो 10 वैकेंसी है, कक्षा 9 से 12 तक 12 वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका में भाषा अंग्रेजी के 2, हिंदी के 2 पद हैं। विज्ञान में फिजिक्स गणित केमिस्ट्री बायोलॉजी की वैकेंसी है, सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी है और अर्थशास्त्र की वैकेंसी है। तो ये हो गई पदों की संख्या और किस किस सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी है। आपको पता है यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका यानी महिलाएं ही जो है वो आवेदन कर सकती हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये वैकेंसी है और अनिवार्य रूप से दिनांक 30/8/2023 तक जो है वो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो है वो हर जगह की अलग अलग होती है, हर स्टेट से वैकेंसी आएगी, जैसे जैसे आती जाएगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। भाषा शिक्षिका हिंदी और अंग्रेजी जो है यहाँ पर कहा है, या जितने भी जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान शारीरिक शिक्षा, ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है 50% अंकों के साथ जो है स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांकों को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपने इससे अधिक जो है वो कर रखी है क्वालिफिकेशन, तो आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि टोटल मार्क्स के बेस पर ही मेरिट बनेगी, एग्जाम नहीं होगा। प्रशैक्षणिक अर्हता यहाँ पर 9 से 10th तक के लिए क्या कहा है कि 6 से 10 हेतु अनिवार्य रूप से जो है वो बीएड जो है वो कंपलसरी मांगा गया है। जो मैंने आपको ये वैकेंसी दिखाई है यहाँ कक्षा 6 से 8, तो यहाँ पर जो है वो बीएड नहीं, यहाँ केवल जो है वो स्नातक जो है इससे आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बीएड किया है तो अच्छी बात है। और 6 से 10 तक जो 9 से 12 तक की वैकेंसी है, तो वहां पर बीएड जो है वो अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपने 2 वर्ष डिप्लोमा किया है तो भी आप यहां पर एलिजिबल हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए कहा गया है यहां पर कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो टेट जो है यहाँ पर उत्तीर्ण होनी चाहिए और शारीरिक शिक्षा 9 से 12th के लिए जो है वो टेट जो है वो बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है केवल महिला अभ्यर्थी ही जो है आवेदन कर सकती है, पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। चयनित तो होने वाले जितने भी शिक्षिकाएं होंगी महिलाएं ही रहेंगी यहाँ पर, तो उनको जो है उनकी सेवा के अनुबंध के आधार पर प्रथम यानी पहले तो 1 वर्ष के लिए लिया जाएगा, जो कि मैं हमेशा से आपको बताती रहती हूँ। उसके बाद कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1-1 वर्ष की अवधि के लिए जो है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। न्यूनतम आयु जो है वो 21 से जो है वो 35 वर्ष जो है यहाँ पर रहने वाली है। सैलरी के लिए आप लोग देखिए, यहाँ पर शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर होगा, संविदा के आधार पर होगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि 15,840 प्रति माह आपको मिलेंगे 1 साल तक। उसके बाद जो है वो 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रति माह जो है वो आपकी 50% की वृद्धि दे होगी। ठीक है, यानी कि प्रति माह जो है वो आपकी 50% जो है सैलरी बढ़ती जाएगी। तो ये जो है 23,000 तक जो है वो आप लोगों को पढ़ने वाली है। कैसे आवेदन करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना देवघर की है। पहले भी मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ कि यहाँ से जो है वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को सूचना कर दूंगी। तो वैकेंसी बिल्कुल आ गई है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है 2 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों से ये वैकेंसी है और ये जो है सोनार राय ठाड़ी और मारगो मुंडा प्रखंड से वैकेंसी है। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान देवघर की तरफ से है। एप्लीकेशन कैसे करना है आप लोगों को, तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर जो झारखंड के स्टूडेंट है उनको मिलेगा कैटेगरी वाइज। आवेदन जो है वो अंतिम तिथि 30 अगस्त तक आप लोगों को 5 बजे तक कर देनी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान देवघर, ये आपका एड्रेस रहेगा। इसके कार्यालय में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, साधारण पोस्ट जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये जो है वेबसाइट है, बाकी नीचे जो है
आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी इसी नोटिफिकेशन के एंड में दिया हुआ है, और इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करिएगा, वीडियो के नीचे जो होता है उसको पूरा आप देखिए नीचे तक, वहां आप लोगों को जरूर लिंक मिलेगा। इस एप्लीकेशन को जो है वो आप लोगों को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा जो है वो भेज देना है, फोटो वगैरह लगा के एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये सब कुछ लिखना है आपको। लिफाफे के ऊपर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षर से आवेदित पद का नाम लिखना है और किस कौन सी कोटि है ये अंकित करना है, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होगा यहाँ पर। तो चलिए, जैसे ही वैकेंसी और भी आती है और भी अदर स्टेट की आएगी सभी मैं कवर करूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।